अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल स्विंग विद बीबा। आज की स्टूडियो में हम आपको 5 से 6 ईयर बेबी के लिए नेट ड्रेस बनाना बताएंगे। तो यहाँ मैंने सिल्क फैब्रिक यूज़ किया है, आप यहाँ कोई भी फैब्रिक यूज़ कर सकते हैं। सो फर्स्ट हम इसे ओपन कर लेते हैं। तो ये देखें, मैंने यहाँ ट्राउज़र के लिए फैब्रिक ले लिया है इस तरह से। तो देखें, फैब्रिक को मैंने इस तरह से बिछा लिया। ये है 4-फोल्ड फैब्रिक हमारे पास इस तरह से, देखें ये 2-फोल्ड और ये इस तरह से 4-फोल्ड। सबसे पहले हम इसकी लेंथ देख लेते हैं कि हमने इसे लेंथ में कितना लिया है। तो ये देखें, ये हमारे पास जो लेंथ है वो है 29 इंच। तो हमारे पास यहाँ जो ट्राउज़र की लंबाई है वो तैयार 23 इंच है। तो हमने इसमें 2 इंच जमा किया ट्राउज़र के बेल्ट के लिए, 2 इंच हमने इसमें ऐड किया पांचों के लिए, और 2 इंच हमने इसमें ऐड किया है एक्स्ट्रा। यानी हम जो ट्राउज़र लेते हैं उसमें 4 इंच ऐड करते हैं पूरा बेल्ट और पांचों के लिए, लेकिन हमने यहाँ 2 इंच एक्स्ट्रा लिया है। वो हम यहाँ डोरी पैपिंग करेंगे उसके लिए, वो जब मैं इसको स्टिच करूँगी तब आपको ज़्यादा से समझ आएगा। तो इस तरह से मैंने ये 29 लिया है जो कि तैयार 23 इंच आएगा। सीधी लाइन ड्रॉ करने के बाद, यानी कपड़े को इक्वल करने के बाद, हम यहाँ एक निशान लगाएंगे 2 इंच पे। ये हम निशान लगा रहे हैं बेल्ट के लिए और इस निशान को सीधा कर लेंगे। यहाँ क्रच एरिया लेंगे जो कि है 8 इंच इस तरह से, यहाँ से मेजर करेंगे इस तरह से। ये विड्थ वाइज जो है वो 10 इंच है, तो हम यहाँ 8 इंच पे निशान लगाएंगे इस तरह से और इस निशान को सीधा कर देंगे। सो क्रच एरिया के बाद अब यहाँ हम बॉटम यानी पांचों को लेंगे। सो पांचे हम यहाँ रखेंगे 6 इंच इस तरह से, और यहाँ हम 1 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे फॉर कटिंग मार्जिन और स्टिचिंग मार्जिन के लिए। अब यहाँ से हम इसे इस तरह से बेल्ट कर देंगे, ऐसे कटिंग कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखें, कटिंग कंप्लीट है। अब हम इस पर मार्किंग करेंगे। देखें, यहाँ हम इस निशान लगाएंगे 2 इंच का जो कि हमारे पांचों के फोल्ड का है, और इस निशान को हम सीधा कर लेंगे इस तरह से। और अब हमने यहाँ देनी है डोरी पैपिंग। तो हमने ये निशान लगाने के बाद देखना है कि हमें डोरी पैपिंग कितना ऊपर देनी है। तो हम एक निशान लगाते हैं अगेन 2 इंच पे इस तरह से, यानी टोटल हमने नीचे से लिया है 4 इंच। अब इस तरह से निशान लगाने के बाद इस निशान को भी हम सीधा कर लेंगे यहाँ से। ये देखें, अब ये हमने निशान लगा लिया है। अब यहाँ एक कट हम लगा देंगे इस तरह से, और एक कट हम यहाँ लगा देंगे ताकि चारों साइड पे जो है ये निशान आ जाए इस तरह से। अब यहाँ हमने डोरी पैपिंग करनी है, तो यहाँ इस तरह से देखें, मैंने डोरी पैपिंग ले ली है, मार्केट में इजीली अवेलेबल होती है। सो हम इसे इस तरह से देखें रख के स्टिच कर देंगे यहाँ बैक से भी फुल इस तरह से, और उसके बाद जो हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया है उसे हम इस तरह से इसके ऊपर यूँ रख देंगे। ये देखिए, जिससे हमारी फिनिशिंग के साथ सिर्फ डोरी पैपिंग नज़र आएगी, इसलिए हमने ये 2 इंच फैब्रिक जो है वो एक्स्ट्रा लिया है। अब इसको हम साइड पर करते हैं, और ट्राउज़र की कटिंग तो कम्प्लीट है, अब हम शर्ट की कटिंग कर लेते हैं। इस तरह से मैंने फैब्रिक ले लिया, तो इस फैब्रिक की लंबाई जो है वो 19 इंच है और 18 इंच तैयार आएगी। और चौड़ाई में हमने बैक पीस को लिया है 8 इंच और फ्रंट पीस को हमने लिया है 9.5 इंच। सो फ्रंट पीस को जो हम है 1 इंच बड़ा रखेंगे। तो ये देखिए, यहाँ से ओपन साइड है, यहाँ हम सबसे पहले एक मार्क कर लेंगे 1 इंच पे इस तरह से, और इस लाइन को हम सीधा ड्रॉ कर लेंगे। देखें, 1 इंच के निशान को हमने इस तरह से सीधा ड्रॉ कर लिया है। अब बैक पीस को हम इस निशान के बाद रखेंगे इस तरह से, और अब हम इस पर ग्राफ बनाएंगे। सबसे पहले हम यहाँ शोल्डर मेजर करेंगे। तो शोल्डर जो हम यहाँ लेंगे वो हम इसी निशान से, देखिए ये जो बैक का पीस है यहीं से हमने लेना है। तो शोल्डर है 6 इंच, शोल्डर डीप हम लेंगे 6.5 इंच, और इस निशान को हम सीधा कर लेंगे। चेस्ट पार्ट मेजर करेंगे, जो भी हम निशान लेंगे वो सब इसी क्रीज से लेंगे यानी बैक की। यहाँ हम चेस्ट पार्ट मेजर करेंगे 8 इंच, और नीचे दामन से भी हम एक निशान लगाएंगे 8 इंच का। और यहाँ हम इस फिटिंग को कफ में इस तरह से मिला देंगे। यहाँ नेक मेजर करेंगे, तो नेक की जो चौड़ाई है वो 2.5 इंच है, नेक की लंबाई हम रखेंगे 3 इंच, और यहाँ हम राउंड शेप ड्रॉ कर लेंगे। तो
देखें इस तरह से ग्राफ कंप्लीट है, अब इसे कटिंग कर लेते हैं। तो देखें ये फिटिंग वाइज जो कटिंग थी वो हमने कर दी। अब यहाँ हमने जो चुराई दी थी यहाँ हम एक कट लगाएंगे इस तरह से, और इस बैक पीस को साइड पे करके अब यही सेम जो नेक है हम यहाँ ड्रो करके इस तरह से कटिंग कर लेंगे। ऐसे कटिंग कर लेते हैं सिर्फ फ्रंट पे बिस्मिल्लाह। और ये जो हमने लाइन ड्रो की थी एक इंच वाली, यहाँ भी एक कट दे देंगे हम, क्योंकि हम यहाँ डोरी पैपिंग करेंगे इसलिए। और यहाँ हमने कॉलर लगाना है। तो देखिए ये कटिंग कंप्लीट है। अब बैक पीस को हम साइड पे कर देते हैं, ये इस तरह से नज़र आएगी। अब यहाँ मैंने दो शेप ली हैं, ये देखिए इस तरह से, जिनकी लंबाई हमने इसी के अकॉर्डिंग रखी है, यानी जितनी हमारी शर्ट है उतनी ही हमने इसकी लंबाई ली है। 5 इंच जो है वो इसकी चुड़ाई है। देखिए इसको हमने ऐसे रखना है, दोनों सीधे पार्ट जो है वो बाहर की तरफ है और अंदर की तरफ रॉन्ग साइड है। और इसे हमने इस तरह से रख के इस तरह से अपनी शर्ट को इसके ऊपर रखेंगे, और यहाँ हमने इसे कटिंग कर लेना है सेम जो नेक बना है। तो देखिए नेटिंग कटिंग कंप्लीट है, ये अब इस तरह से इसके ऊपर आ जाएगी, ये देखिए। और स्लीव्स की कटिंग कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ स्लीव्स कटिंग करने के लिए मैंने इस तरह से फैब्रिक ले लिया है और इसे मैंने इस तरह से फोर फोल्ड कर लिया है। इसकी जो विड्थ है फोर फोल्ड करने के बाद 8 इंच इस तरह से, और लंबाई में मैंने इसे लिया है 4.5 इंच। सो फर्स्ट हम इस पर ग्राफ बनाएंगे जो कुली साइड से है, यहाँ से हम ग्राफ बनाना स्टार्ट करेंगे। यहाँ हम एक निशान लगाएंगे लंबाई में 2.5 इंच इस तरह से, और इस निशान को हमने इस तरह से यहाँ स्लीव्स की शेप दे देनी है। और यहाँ से जो लूजिंग है वो हम रखेंगे 4.5 इंच, और इसमें 1 इंच हम एक्स्ट्रा ले लेंगे फॉर कटिंग मार्जिन और स्टिचिंग मार्जिन। सो ये देखिए ग्राफ कंप्लीट है, इसको हमने यहाँ से इस तरह से मिला देना है। सो इस तरह ग्राफ कंप्लीट है, अब इसे कटिंग कर लेते हैं। हमारी स्लीव्स आ गई, ये हमारी शर्ट की कटिंग हो गई, और ये हमारा ट्राउज़र। सो फर्स्ट हम ट्राउज़र का स्टिचिंग करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो क्रच एरिया ज्वाइन करने के बाद अब मैं जैसे बताया था निशान पे हम डोरी पैपिंग करेंगे, तो इस तरह से हमने इसे रखना है। और यहाँ डोरी पैपिंग करना स्टार्ट कर लेते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ जो है मैंने हाफ बूट का यूज़ किया है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखें डोरी पैपिंग हमने लगा ली है, अब हमने इसे इस तरह से इस फैब्रिक को उठा के इसके ऊपर रखना है, और यहाँ हमने फिनिशिंग के साथ इस पर सिलाई लगा देनी है। चलिए सिलाई लगा लेते हैं, बिल्कुल इसके साथ साथ हमने सिलाई लगाते जाना है डोरी पैपिंग के। सो देखिए इस तरह से पैपिंग हमने फिनिशिंग के साथ रेडी कर ली है, अब हमने इसे 5 इंच फोल्ड करने हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखिए इस तरह से हमारा ट्राउज़र रेडी है, और इसकी लेंथ मैं आपको दिखाऊं तो ये देखें बिल्कुल तैयार 23 इंच हमारे पास आ गई है। सो इस तरह से ट्राउज़र कंप्लीट है, और पैकिंग वाशर से भी खूबसूरत लग रही है। इसको साइड पे करते हैं और नाइटी स्टिच करने की तैयारी करते हैं। देखिए अब इसके हमने इस साइड पर पाइपिंग कर ली है, और इसके इस साइड पर पाइपिंग करनी है। यही सेम लाइन हम यहाँ भी ड्रॉ कर लेंगे, और इस तरह से हमने देखे यहाँ से पाइपिंग लगाना स्टार्ट करनी है इस तरह से, और इस तरह से पाइपिंग दे देंगे। कट के हम थोड़ा सा आगे से यहाँ पैपिंग करेंगे तकरीबन 1 इंच ज़्यादा, ताकि जब हम कॉलर लगाएं तो ये एज जो है इसमें छुप जाए। तो इस तरह से हम यहाँ पैपिंग करते हैं, और इस साइड पे भी हम यही पैपिंग इस तरह से करते हैं। चले मशीन पे चलते हैं और पैपिंग करते हैं, और ये निशान यहाँ भी लगा लेते हैं। तो देखिए पैपिंग में लगा ली है, इसी तरह दूसरी साइड पर भी पैपिंग लगा लेंगे। तो देखिए दोनों साइड की मैंने पैपिंग कर ली है। अब हमने ये जो हमने पीस कटिंग किया था इसी के साथ 5 इंच चौड़ाई वाला, अब हमने ये इस तरह से देखे इसके साथ रखना है सीधे पार्ट दोनों अंदर की तरफ। इस तरह से रखने के बाद हमने ये बैक से सिलाई लगाना स्टार्ट करना है, क्योंकि यही सिलाई के ऊपर जब हम सिलाई लगाएंगे तो हमारी डोरी पैपिंग के ऊपर नहीं चढ़ेगी। सो इस तरह से हम इसे रखेंगे और इस पर सिलाई लगा लेंगे। इसी तरह इस वाले पीस को भी हमने यूँ रख के बैक से हमने इस तरह से हमने इसे सिलाई कर लिया है। अब इसे सीधा कर लेते हैं इस तरह से, और इसे प्रेस से अच्छे से सेट कर लेते हैं। देखिए मैंने प्रेस से सेट करके रखा हुआ है, इसे भी हम प्रेस से सेट कर लेते हैं। तो देखिए दोनों को मैंने प्रेस करके इसे सीधे कर लिया है। अब हम इसे रॉन्ग साइड पे देखिए इस तरह टर्न करते हैं। ये जो हमने इस पर फैब्रिक लगाया है इसे हम इस तरह से डबल फोल्ड करके यहाँ हम सिलाई लगा देंगे
और इस साइड पे भी हमने इसे डबल फोल्ड करके सिलाई लगा देना है। सो इसे सिलाई लगाने के बाद हम यहाँ इसे इस तरह से रखेंगे और ये दोनों फैब्रिक यहाँ हम इसको इस तरह से स्टिच कर देंगे और यहाँ भी हम एक स्टिच कर देंगे ताकि यहाँ फिक्स हो जाए। और इस पर भी हमने इसी तरह से स्टिच कर लेना है। ठीक है, स्टिच करने के बाद हम यहाँ बैक के पीस को ज्वाइन कर देंगे, यानी शोल्डर ज्वाइन कर देंगे और फिर नेक्स्ट देखते हैं इस पर हमने क्या कर देंगे। इसे मैंने इस तरह से सिलाई लगा दी है दोनों पीसों पे और यहाँ भी मैंने जो फाइनल सिलाई लगानी थी वो भी लगा दी है पाइपिंग के साथ साथ और शोल्डर भी ज्वाइन कर दिए हैं। अब हमने इसे इस तरह से ओपन करना है। इस तरह से ओपन करने के बाद बैक की जो नेक है उसमें हमने हाफ इंच की कटिंग करनी है। हमने यहाँ कॉलर लगाना है, जस्ट हाफ इंच हम इसमें डाउन करेंगे। और अब हमने यहाँ कॉलर लगाना है तो कॉलर लगाने के लिए हम इसे मेजर कर लेते हैं। और अब मेजर कर लेते हैं इसे ये कितना आ रहा है, फिर उस हिसाब से हम कॉलर की कटिंग करेंगे। तो देखें 15 इंच हमारा ये कॉलर आ रहा है इस तरह से। सो अब इसे कटिंग कर लेते हैं कॉलर को अलग फैब्रिक पे। इस तरह से मैंने कॉलर के लिए फैब्रिक ले लिया है। इसे हम फर्स्ट फोर फोल्ड करेंगे इस तरह से। कॉलर की जो लंबाई है वो हमने रखनी है 4 इंच तैयार। तो ये 4.5 इंच का फैब्रिक लिया है और इसे चौड़ाई में मैंने लिया है 8 इंच, 8 से 8.25 इंच इस तरह से। हाँ, मैंने एक निशान लगा दी कपड़े को इक्वल करने के लिए। अब यहाँ लेंथ मेजर कर लेते हैं। तो 4 इंच हमें इसकी लेंथ चाहिए इस तरह से। इस निशान को भी सीधा कर लेते हैं। हमने यहाँ कॉलर का साइज जितना हमने मेजर किया था वो हमने लेना है। तो हमने मेजर किया था 15.25 इंच, तो 15.25 का हाफ हुआ 7.75 इंच। तो ये बंद हिस्से से हम लेंगे और यहाँ निशान लगाएंगे 7.75 इंच पे इस तरह से। यहाँ भी 7.75 पे निशान लगा लेते हैं ऊपर की साइड और इस निशान को हम सीधा कर लेंगे। और इस निशान को हम इससे इस तरह से तिरछा मिला देंगे। तो देखें इस तरह से मैंने इसे तिरछा कर दिया है इस निशान को। और अब यहाँ हम हल्के से इस तरह से गुलाई दे देंगे। हमारा कलर तैयार हो जाएगा। चलिए अब इसे कटिंग कर लेते हैं। इस तरह से तो ये 2 पार्ट में आ गया है। देखिए इस तरह से। अब फर्स्ट हमने इस पर पाइपिंग करनी है। ये ऊपर की साइड है, आप चाहें तो यहाँ मार्क कर लें ताकि आपको पता हो ये ऊपर की साइड है। इस तरह से कोई कन्फ्यूजन ना हो। अब हमने एक पे पाइपिंग करनी है इस तरह से। यहाँ से स्टार्ट करेंगे, 1/2 इंच ऊपर रख के हमने पाइपिंग को लगाना है। ये देखिए इस तरह से यहाँ से हमने पाइपिंग लगाना स्टार्ट करनी है। इस तरह से लेके आएंगे, फिर यहाँ आके 1/2 इंच हम यहाँ पाइपिंग को रोक देंगे। चलो पाइपिंग कर लेते हैं इस पर। तो दोनों साइड पे कट लगा लिया है। अब इस वाले फैब्रिक को इसके ऊपर रखेंगे इस तरह से। और अब यहाँ भी इस तरह से उल्टी साइड पे हमने जैसे उस पर शर्ट पे लगाई थी उसी तरह से इस पर सिलाई लगा लेंगे। प्रेस की मदद से मैंने इसे सीधा कर लिया है। अब हम शर्ट लेंगे और इस तरह से इसे रख के जो हमने सेंटर इसका बना लिया है सेंटर से सेंटर मिला के पहले इस तरह से स्टिच करेंगे, फिर यहाँ से इसे स्टिच करेंगे, फिर अंदर की तरफ टर्न करेंगे। और एक पीस को हमने इस तरह से हटा देना और एक पीस को हमने सिलाई लगानी है ताकि हम जो इसको अंदर टर्न करें तो उस पर सिलाई लगा सकें। चलो अब इसे फाइनल कर लेते हैं। मैंने सिलाई लगा दी। अब मैं आपको टर्न करके दिखाऊं तो ये देखिए बिल्कुल हमारा फिक्स आया है जहाँ तक हमने कॉलर को लगाना था। अब इसी तरह दूसरी साइड को भी फिक्स कर लेते हैं। मैंने इस तरह से कॉलर लगा के फिक्स कर दिया है। ये देखिए कुछ इस तरह से नज़र आ रही है। अब हमने ये जो एक पीस छोड़ा था इसे हम इस तरह से अंदर की तरफ सिलाई को इस तरह से करके इसको इस तरह से फोल्ड करके यहाँ भी हम फाइनल सिलाई लगा देते हैं। तो
कॉर्नर में लगा दिया है। अब इसके साथ साथ हम इस तरह से सिलाई लगा के इसे फिक्स कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखिए ये सिलाई लगा दी है। अब इस पर हमने आस्तीनें लगानी है और इसे फिटिंग लगानी है। तो चलिए आस्तीन और फिटिंग लगाकर फिर मैं इंशाल्लाह आपको इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ। देखिए इस तरह से मैंने इस पर कॉर्नर लगाने के बाद फिटिंग लगा दी थी और इस तरह से जो इसके नीचे का बॉर्डर था वही मोड़ दिया। अब हमने इसको सेट करना है। सो देखिए इसको हमने इस तरह से टर्न करना है, यानी हाफ इसका सेंटर करना है और इस कॉर्नर को हमने इस तरह से देखिए कर देना है, जिससे ये कॉलर है नाइटी का ये रेडी हो जाएगा। देखिए इस तरह से। तो देखिए यहाँ मैंने बटन ले लिए हैं, आपके पास जो अवेलेबल हो आप वो ले लीजिएगा। एक बटन हम यहाँ दे देंगे इस कॉर्नर पर और एक इस कॉर्नर पर और तीन बटन हम इस साइड पर दे देंगे इस तरह से। और ये आ गया इसका ट्राउज़र जिसमें हमने पाइपिंग की थी। सो ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक और शेयर करना भूलेगा एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक नए डिज़ाइन के साथ मुलाकात होगी। तब तक अपना और अपने प्यार को ख्याल रखिएगा। मुझे मेरी फैमिली को दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।